तो हेलो, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में मैं आपको एडसेंस से रिलेटेड जो है कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ। कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताना चाहता हूँ जो अक्सर बहुत सारे जो हमारे नए भाई हैं, जो नए यूट्यूब चैनल बनाया है, जिनका एडसेंस अकाउंट जो है वो अभी मतलब चैनल मोनेटाइज हुआ नहीं है, या फिर अंडर रिव्यू में गया है, या फिर जो है उनका जो है चैनल जो है मोनेटाइज हो गया है और उसके बाद कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके वजह से जो है उनका एडसेंस अकाउंट जो है सस्पेंड हो जाता है, या फिर जो है आपको आने वाले टाइम में जो है एडसेंस से रिलेटेड काफ़ी सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए, इसमें कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताऊँगा। तो इन गलतियों से आपको जो है बचना है और अपने चैनल को सेफ रखना है, अपने एडसेंस अकाउंट को सेफ रखना है। तो दोस्तों, सबसे पहला गलती जो होता है, जो नए क्रिएटर होते हैं, नया नया चैनल आपने बनाया है और उसके बाद में क्या होता है कि जब आपका मतलब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ नहीं है और आपका मोनेटाइजेशन का जो कोई भी, जैसे कि 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद, 4000 घंटे पूरे होने के बाद ही आपका चैनल जो है रिव्यू में जाता है मोनेटाइजेशन के लिए। मगर बहुत सारे भाई लोग जो क्या करते हैं, वो पहले से एडसेंस अकाउंट बना लेते हैं। वही लोग, अगर आपका चैनल अभी तक 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कम्प्लीट नहीं हुआ है, तो आपको एडसेंस अकाउंट बिल्कुल नहीं बनाना है। बहुत से भाई जो है बना लेते हैं और बाद में जब उनका चैनल मतलब रिव्यू में जाता है, तब उनका एडसेंस अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से एक एडसेंस अकाउंट बनाए रखे होते हैं और उनको याद नहीं रहता है, क्योंकि काफ़ी दिन हुआ होता है तो उनको याद नहीं रहता है। इस वजह से वो नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं और यूट्यूब की पॉलिसी या एडसेंस की पॉलिसी अगर माना जाए तो एक आदमी का जो है एक ही एडसेंस अकाउंट होता है, और आपने अगर पहले से बना रखा है और उसका किसी तरह से लॉगिन पासवर्ड या फिर कुछ भी आप भूल गए हैं और दूसरा अगर एडसेंस अकाउंट आप क्रिएट करते हैं, तो आपका एडसेंस अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। तो भाई लोग, इस चीज़ का जो है हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपका 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए और उसके बाद में जब आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम जब कंप्लीट हो जाए, तब जो है आपको अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना है और अपने चैनल का जो रिव्यू प्रोसेस है उसमें आपको प्रोसेस में लगाना है। अब भाई लोग, दूसरी गलती की ओर जो है हम बढ़ते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जिन्होंने मुझसे जो है कॉन्टैक्ट किया था, उनका जो एज होता है वो 18 साल से कम होता है और वो जो है एडसेंस अकाउंट बना लेते हैं। तो दोस्तों, ये भी जो है एडसेंस अकाउंट की पॉलिसी के खिलाफ है। अगर आप 18 साल से कम हैं तो आपका जो है एडसेंस अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप अपने फैमिली के किसी भी मेम्बर के नाम पर जो है आप एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं उनके जीमेल आईडी से, क्योंकि दोस्तों जब भी आप कोई जीमेल आईडी क्रिएट करते हैं तो उसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है देना पड़ता है, तो उससे जो है आपका एज पता चल जाता है। इसके अलावा अगर आपने चलिए गलत दे के भी अगर बना लिया है, तो फ्यूचर में जब आपका एडसेंस अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए जो है आपको अगर कोई आईडी प्रूफ वगैरह मांगेगा, तो यहाँ जो है आपको दिक्कत हो सकती है। तो जब भी आपका, अगर आप 18 साल से कम हैं, तो आपको जो है अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट नहीं करना है। भले आपका चैनल अगर 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम हो गया, अंडर रिव्यू में जा रहा है, तो आप अपने फैमिली मेम्बर के किसी के नाम पर भी जो है आप एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और इनके एडसेंस अकाउंट को जो है अपने चैनल के साथ लिंक कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरी गलती जो ये है कि जब आपका चैनल अंडर रिव्यू में जाता है, तो उस टाइम में अंडर रिव्यू में जाने से पहले आप हमेशा ये कोशिश कीजिए, देखिए अपने वीडियोस को कि कहीं आपने कॉपीराइट कंटेंट तो नहीं डाला है, या फिर व्हाट्सअप स्टेटस वगैरह या फिर टिकटॉक वीडियो वगैरह इस तरह का जो है कॉन्टेंट जो है आपने नहीं डाला है। अगर आपने डाला है तो आपको जो है ये सारे वीडियोस को डिलीट करने होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अपना फेस कैम वीडियो या फिर अपना खुद का वीडियो कंटेंट जो है, मगर ज़्यादा वैल्यू होता है आपके फेस कैम वीडियो का, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अपने फेस कैम वीडियो को अपलोड कीजिए, जिससे जो है आपका एडसेंस अकाउंट या फिर आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो सके। बहुत से भाई लोग जो है ये काम नहीं करते, बहुत सारा व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो डाले रहते हैं या फिर बहुत सारा कॉपीराइट कंटेंट उनके वीडियोस पे रहता है, इस वजह से जो है उनका एडसेंस अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है, या फिर जो है उनका चैनल जो है मोनेटाइज के लिए डिसअप्रूव हो जाता है। तो भाई लोग, जब भी आपका अगर चैनल 1000 सब्सक्राइबर या 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, तब जाके आप एडसेंस अकाउंट बनाइए। उसके बाद में अपने वीडियो को देखिए, कहीं आपका वीडियो कॉपीराइट कंटेंट तो नहीं है, तो आपको जो है वो सारे वीडियोस को रिमूव करना होगा, और साथ ही साथ आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा फेस कैम वीडियो जो है अपलोड कीजिए, तो इससे जो है आपका जो मोनेटाइजेशन के लिए चैनल अप्रूव हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद में बढ़ते हैं हम अपनी जो है एडसेंस की चौथी गलती की ओर। तो अगर आपका चैनल अगर मोनेटाइज हो गया है रिसेंट टाइम में और आपकी अर्निंग अगर चालू हो गई है, तो आप कभी भी अपने वीडियो पर क्लिक नहीं कीजिए। तो दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है, बहुत सारे चैनल जो है इसके रिगार्डिंग मुझसे बहुत सारे सवाल करते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, अपने ही वीडियो को देखने लगते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि उसमें जो है खुद के वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें इनवैलिड क्लिक वगैरह जो है आ जाता है, और यूट्यूब को या एडसेंस को लगता है कि आप अपने वीडियो को देख रहे हैं, अपने वीडियो के ऐड पर क्लिक कर रहे हैं, तो इसके वजह से जो है आपका एडसेंस अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो इस चीज़ से भी आप बचिए। आपका अगर मोनेटाइजेशन ऑन हो गया है तो अपने वीडियो को मत देखिए, या फिर आप अगर अपने दोस्तों को या कहीं भी अपने
फैमिली मेम्बर किसी को भी शेयर कर रहे हैं तो उनको भी ये मत कीजिए, कहिए कि आप जो है बार बार वो वीडियो देखें, क्योंकि अगर आप अगर नहीं भी देख रहे हैं मगर कोई अगर बार बार उस वीडियो पे क्लिक कर रहा है तो इस पर भी जो इनवैलिड क्लिक काउंट होगा और इसके वजह से जो है आपका एडसेंस अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, तो इस चीज़ से भी बचिए दोस्तों। इसके बाद में पाँचवें मिस्टेक की और बढ़ें, तो जब भी आपका एडसेंस अकाउंट अगर अप्रूव हो जाए तो हमेशा जो है आप अपना CPC CTR वगैरह को जो है चेक कीजिए, क्योंकि आपका अगर CTR जो है हाई अगर हो जाता है लगभग 10-15% से अगर ऊपर चला जाता है तो आपको जो है आपका मोनेटाइजेशन ऑफ करना पड़ेगा। नए नए टाइम में इस चीज़ का जो है ज़्यादा ध्यान रहता नहीं है और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, और मेरा एडसेंस अकाउंट मेरा चैनल मोनेटाइज होने का दूसरे दिन में ही जो है मेरा एडसेंस अकाउंट सस्पेंड हो गया था। तो इस चीज़ का जो है ध्यान दीजिए, आपको जो है CPC CTR वगैरह भी चेक करना है। आपका CTR अगर 15% से ऊपर है तो आप अपने एडवर्टाइज जो मोनेटाइजेशन है उसको ऑफ कर दीजिए, अपने वीडियो का मोनेटाइज जो है वो कुछ देर के लिए बंद कर दीजिए और उसके बाद में कुछ देर के बाद जो है आप चालू कीजिए। इस तरह से जो है आप अपने CTR को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा टिप आपके लिए, इन गलतियों को आप मत कीजिए और अपना एडसेंस अकाउंट और अपना चैनल को सेव रखिए। आज का वीडियो बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।